नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। द न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 23 सितंबर 2019 की 21 बड़ी खबरों में क्या है। सबसे पहले खबर में रुख करेंगे लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे और बिहार के जमुई लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा लक्ष्य POK को भारत का हिस्सा बनाना है। साथ ही बिहार में NRC के मुद्दे पर भी BJP के साथ नजर आए। बिहार में BJP के अंदर नीतीश का विरोध काफी तेज हो गया है। गिरिराज सिंह की बात करें या CP ठाकुर की या फिर सच्चिदानंद राय के, जो भूमिहार समाज से आते हैं, इन नेताओं ने नीतीश का खिलाफ खोलकर विरोध दर्ज किया है। BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में आए बाढ़ के दौरान भ्रमण करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नीतीश सरकार हम पर सौतेला व्यवहार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगले विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से अति पिछड़ों को 50 सीट देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी ने यह बड़ी घोषणा की है। हार के सबक लेते हुए तेजस्वी यादव ने पार्टी का लाइन हटा दी। रालोसपा महासचिव माधव आनंद ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने इन चीजों से समझौता कर लिया और ताख पर रख दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के संबंध में BJP द्वारा जन जागरण सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को चेताया। इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा GDP रोजगार सब चौपट हो गया, उस पर ध्यान जरूर दें। पूर्व मंत्री रमई राम राजद में शामिल हो गए हैं। पटना के हज भवन में आयोजित मिलन समारोह में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है रमई राम को। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक कानून अब कश्मीर में भी लागू हो गया है। धारा 370 हटने के कारण यह संभव हो पाया, यह इतिहास बन गया है। मुंगेर में प्रेमी युगल हत्याकांड के सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि युवती के साथ पहले हम लोगों ने दुष्कर्म किया, फिर दोनों प्रेमी जोड़ा को गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के आमौर बाजार स्वर्ण व्यवसायी के पैरों में अपराधियों ने गोली मारकर 4.5 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। घायल व्यवसायी के पैरों में गोली लगी है। बिहार में गंगा व कोसी कहर पुनः उफान पर है, जिसमें 6 दर्जन पंचायत के हजारों बेघर, 2 दर्जन से अधिक स्कूल बंद है। इसी बीच गंगा में कटाव भी जारी है। आज से हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज के 2500 जूनियर डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर है। मुजफ्फरपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोतीपुर का है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। घायल युवक का इलाज चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में NIT के एक छात्र को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी संगठन अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलमुद्दीन मुजाहिरी को झारखंड के आतंक निरोधी दस्ता STF ने गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। साथ ही ठिकाने भी बदल रहा था। आपको बता दें कि मौलाना का संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ आतंक नहीं बल्कि युवाओं को भी ब्रेन वॉश करता है, जिससे युवा भी उनके साथ जाने लगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि युवाओं को ऐसे संगठनों से बचाने के लिए परिवार और समाज को मौलाना जैसे लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। साथ ही बच्चों के माता पिता पर अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वे गलत राह पर ना जाए। बिहार की किस बड़ी खबरें, आपको खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।